नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे कॉल बिल मिरर, हर पल आपके साथ। आज आसनसोल पश्चिम बंगाल की धरती पर ये पुष्पेंद्र यादव की श्रद्धांजलि शोक संवेदना हम लोग सभा कर रहे हैं। 19 तारीख आज ही का दिन इनका श्राद्ध और क्रियाकर्म है। यह अपने आप में बहुत ही शोक और संवेदना का विषय होते हुए बहुत दुखद जो क्षण है हम लोग पालन कर रहे हैं। इसका कारण पुष्पेंद्र यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है, 23 साल का एक साधारण परिवार का साधारण लड़का, जो ट्रांसपोर्टर, जो जहां माइंस जहां से ये पत्थर निकलते हैं उसको ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था। झांसी जिले का, झांसी जनपद का मोट थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला था और उसकी गाड़ी मोट थाना के दरोगा ने पकड़ लिया था, जो सत्य घटना आपको बता रहे हैं। तो उसने अपने कोर्ट से जो भी है, जिस तरह से अपना जो कानूनी प्रक्रिया है उससे छुड़ाया, लेकिन उससे पुलिस पैसा ऐंठने के लेकर के, पैसा मांगने को लेकर के उसमें और पुलिस में विवाद चल रही थी। 5 तारीख और 6 तारीख अक्टूबर पिछले इसी महीने धर्मेंद्र सिंह चौहान नाम का मोट थाना का दरोगा, उसे रात में 11 बजे फोन कर करके बुलाते हैं, वो जाता है और रात में नहीं लौटते हैं। देर रात खबर आती है कि उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये घटना इस तरह से फैली, देखिए बात करते करते रोवा खड़ा होता हम लोग का कि यह घटना अपने आप में एक जंगल राज, जहाँ जंगल का कानून जिसको कहा जाए, उस तरह के प्रदेश में जहाँ अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए, जहाँ हमारे देश में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, ये सारी व्यवस्था की हुई है, उस राज्य में, उस देश में अगर इस तरह से किसी को बुला करके मार दिया जाए और उसको बोला जाता है कि वह मुठभेड़ में मारा गया, बहुत लंबी कहानी है, उस घंटों लग जाएंगे आपको बताने में। अब बात है कि मुठभेड़ बोलते हैं जिसको, काउंटर, तो मुठभेड़ की परिभाषा अपने आप में बहुत ही एक सबूत सहित कहानी है। ऐसे मुठभेड़ किसी को नहीं साबित कर सकते हैं। साधारण शब्दों में मुठभेड़ उसी को किया जाता है जिसमें जिस अपराधी के विरुद्ध कई मामले हैं उनके थाने में दर्ज हैं, जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल हम जिसको कहते हैं, उसके बावजूद क्रिमिनल एंटीसिडेंट होते हैं उसके कई थाने में, वह फरार अभियुक्त होता है कानून से, जिसके ऊपर इनाम घोषित होते हैं, और वह अभियुक्त अगर पुलिस को मिलता है तो उसको भी पुलिस मुठभेड़ डायरेक्ट नहीं कर सकती है। जो हमारे यहाँ कानून है CRPC IPC में, उसको आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस किस तरह किसी को गिरफ्तार करती है उसके लिए प्रक्रिया बनाया गया है। उस मुठभेड़ जब तब किया जाता है जब ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन पुलिस मार देती है, गोली बोलती है कि मुठभेड़ में मार दिया मैंने, ये हत्या कर दी गई। 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है, ये आप सोच ले। उसके बाद यह मामला जो है अपने आप में, जब उसके परिजन जाते हैं थाना में मामला दर्ज कराने FIR, तो पुलिस थाने में लेने से इनकार कर देती है। उससे भी बड़ा अन्याय, आप ये सोचिए, उससे भी बड़ा अन्याय उस झांसी जनपद का SSP वरीय पुलिस अधीक्षक बोलता है कि यह मामला मुठभेड़ हुआ है, SP बोलता है मुठभेड़ हुआ है, DGP बोलता है मुठभेड़ हुआ है, और सूबे का मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पुलिस ने काउंटर में मुठभेड़ में मार गिराया है, वह अपराधी था। भाई मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री कोई जांच एजेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री कोई कोर्ट नहीं है जो किसी को अपराधी घोषित कर देगा।
ऐसा किसी भारत में आजादी के बाद किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं किया है। मुख्यमंत्री का सारा दुनिया टीवी में देखा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं अभी 4 दिन गोंडा में रह के आया हूँ, वहाँ की स्थिति भयावह है, वकील डरता है कोर्ट में केस लड़ने से, पुलिस डरता है मामले से। जिस राज्य में पुलिस वकील डर रहा, पत्रकार डर रहा, वहाँ न्यायपालिका खत्म है, न्याय कहाँ से मिलेगा लोगों को। वहाँ का मुख्यमंत्री का स्पीच आया, पूरे देश ने टीवी में देखा, वो संविधान का शपथ लेता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेता है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मुख्यमंत्री क्या बात कहता है सरेआम कि मैं राज्य के अपराधियों से, माफियाओं से कहना चाहूँगा कि वह राज्य छोड़कर बाहर चला जाए, अन्यथा वो कहाँ जाएंगे जहाँ वो जाना पसंद नहीं करते। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति, संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बात बोल सकता है? नहीं बोल सकता। 128 यादवों की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, सरकारी आंकड़ा। 300 से ज़्यादा SC ST OBC के लोग मारे गए हैं, सारे मुठभेड़ दिखा रहे हैं लगत। इतना ही नहीं, कई ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। अभी कल ही कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब देखिए देखिए इनका रवैया, ये RSS का किस तरह हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी का हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी एक हिंदू समाज पार्टी का नेता था, वह एक बार इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई बयान दिया था, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ने उसके धमकी दिया था। लखनऊ में उपचुनाव हो रहा है, देखिए ये जनता इसको समझ रही है, लखनऊ में उपचुनाव हो रहा है और वहाँ की सरकार, वहाँ की पार्टी सरकार चाहती है कि इस समय इसकी हत्या करा दो, हिंदू मुस्लिम का वोट मिल जाएगा। दिन दहाड़े हत्या करा दी गई, और हत्या करा देने के बाद कहाँ से, तो गुजरात से उसके जो लोग जो क्या बोलते हैं उसको, जो फरमान जारी किए थे फतवा, उनको गिरफ्तार करने का घोषणा कर दिया गया। पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, लेकिन सुनते हैं कि गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो ये कौन तिवारी बताए, कमलेश तिवारी की माँ खुल करके बोल रही कि मेरे बेटा की हत्या शिव कुमार गुप्ता BJP के नेता ने कराया, खुल के बोल रही है। बोलती है कल से पुलिस उसके पास नहीं जा रही है, वो उनको पकड़ने जा रही है। गजब की राजनीति है भाई, वोट खातिर किसी को कभी किसी क्षण मरवा दो, कोई दंगा करवा दो, कोई आतंकवादी घुसवा दो, सेना को मरवा दो, अब बोलो कि देश पर खतरा है। ये जो देश में जो हो रहा है, ये जो खासकर हम लोग इनको श्रद्धांजलि देते हुए, लेकिन चंद प्रस्ताव हम लोग पारित किए। मैं तो जानता नहीं था, मैं सोशल मीडिया में इनका समाचार देखा था, लेकिन लखनऊ में हमारा एक आदमी है राजकृष्ण यादव, वो भी एडवोकेट है वहाँ पर, वो बात कराया पुष्पेंद्र का बड़ा भाई जो है रविंदर यादव। तो रविंदर से बात होने लगे, तो रविंदर हमको जानता था क्योंकि रामलखन यादव का जो मर्डर हुआ था यहाँ पर आसनसोल में, जो बनपुर के पास, उसी वक्त वो CISF में, ठीक लखन यादव के घर के सामने जो CISF का कैंप है उसी में उसकी ड्यूटी थी। तो हम लोगों ने जो उस वक्त ADM को घेराव वराव किया था, उस वक्त मीडिया में नाम उम आया था, तो मेरा नाम जानता था, एक बार मेरे घर पर आया था मिलने वो, तो कहा कि भैया हम आपको जानते हैं, सारा राय मशवरा लिया हमने, उसको बताया कि तुम इसमें कुछ नहीं, FIR होता है, आप एक बार कोर्ट जाओ, 156(3) का पिटीशन दो, नहीं लेता है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में आप PIL फाइल करो, CM योगी को पार्टी बनाओ, DGP को पार्टी बनाओ, SSP को पार्टी बनाओ, SP को पार्टी बनाओ। और हमने भी सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों से राय लिया इसमें, सभी लोग ने यही कहा, या तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करिए, सरकार को पार्टी बनाइए, या फिर आप आर्टिकल 32 में आइए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फाइल करा देते हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है, ये देश में बहुत बड़ी लड़ाई है, एक तरफ RSS है, एक तरफ देश की जनता है। RSS चाहती है कि पाखंड और ढोंग के बहाने हम देश में राजनीति करें और देश के नागरिकों को शहीद करवा दें, किसी भी क्षण किसी की हत्या हो सकती है। अभी भी हम लोग बंगाल में आते हैं, यहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, मुझे जब लगता है तो मैं लगता हूँ कि किसी कानून के राज में आ गया हूँ, मुझे ये फीलिंग होता है उत्तर प्रदेश से जब मैं चलता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश, बंगाल में रहकर उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूँ, तो वहाँ जाने के बाद मुझे कोर्ट में जाने के बाद भयावह स्थिति मालूम, कोई वकील, बड़ा बड़ा वकील खड़ा होने से डरता है,
कब शूटर और गनर आएगा, किसको शूट करके चला जाएगा, कोई वहाँ सुरक्षा की नहीं बात है। ये यूपी के लोग हैं, ये खुद फैजाबाद के जानते हैं। इस स्थिति में हम लोग इस मामले में यह आंदोलन, लेकिन जनता सबसे बड़ा आज उनको हम शोक संवेदना देते हुए हम लोग संकल्प लेते हैं कि पुष्पेंद्र यादव की हत्या जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, हत्या करके मुठभेड़ दिखाया गया है, हम भगवान से यही चाहेंगे कि उसके पूरे परिवार को शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को वो बर्दाश्त कर सके, और उनकी जस्टिस की जो लड़ाई है, जो न्याय दिलाने की लड़ाई है, ये मामला केवल एक पुष्पेंद्र यादव का नहीं है, ये देश में 85% जो देश और समाज को मानने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म के हैं, SC ST OBC यादव कोई भी किसी से मतलब नहीं है। अभी तो विवेक तिवारी के पिछले साल हत्या कर दिए, उसी विवेक तिवारी के घर अखिलेश जी गए, अखिलेश जी उनको मुआवजा दिलाए, अभी कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। यहाँ तो कोई जाति की बात, यहाँ तो जो लोग नहीं मानने वाले हैं RSS के नियम को, उसको उसकी हत्या कर दी जाती है। आज हम लोग जिस शहर में आसनसोल में रहते हैं, ये मत जाने ये शहर में, मैंने कल भी इस बात को उठाया था, मैं मंत्री से भी इस बात को उठाया हूँ, सरकार से भी इस बात को उठाया हूँ, आज रेल पार में जहाँ जो रेल पार के लोग हैं जो यहाँ जानते हैं, यहाँ 2 बार कॉम्युनल राइट हुआ, उसकी अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो आज इस दंगे के पीछे कौन लोग थे, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके पीछे भी वही लोग हैं जो कैसे लोगों को, नए नए लड़कों को, जुआ लड़कों को रुपया दे करके किस तरह से कॉम्युनल दंगा कराया गया। तो ये समाज में जो लोग हैं इनसे सतर्क रहना है, और पुष्पेंद्र यादव जैसे किसी भी समाज का आदमी है जो निर्दोष है, जिसकी हत्या की जाती है, उसकी हम निंदा करते हैं, और उसके जस्टिस और न्याय दिलाने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस मामले को जहां तक जाएगा आसनसोल की जनता की तरफ से, बंगाल की जनता की तरफ से, हम लोग इस मामला में उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी शोक संवेदना पर हमारा अपना विचार है।